बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। कुछ घटनाएं हैं जो हम सबको प्रभावित करती हैं। राजनीति भी कुछ ऐसी ही घटना है जहां पर कोई जीतता है तो वो हमें प्रभावित करता है, अगर कोई हारता है तो वो भी हमें प्रभावित करता है। एक बार अगर क्रिकेट का जो खेल है वहां पर इंडिया का जीतना या न जीतना भले ही आपकी आम जिंदगी पर प्रभाव न डालता हो, लेकिन राजनीति में खासतौर से अगर आप विधायक हों या सांसद हों या फिर ग्राम के सरपंच हों, पंच हों, अगर उनमें कोई जीतता हारता है तो इसके आपके जीवन पर इससे ज़रूर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही बातें हमारे आसपास जो संगठन होते हैं, कुछ हमारे आसपास जो राजनीतिक दल होते हैं, इनसे भी कुछ बातें जो है वो जुड़ी होती हैं कि वो आखिर हम पर कैसे प्रभाव डालती है या फिर उस संगठन पर, उस पार्टी पर जो है वो कैसे प्रभाव डालती है। कुछ चर्चा का इन दिनों जो विषय बना हुआ है उस पर मैं नज़र डालना चाहूँगा। एक तो ये कि सबसे पहले जो इन तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें, बीजेपी तीन राज्यों में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने जो उदारता दिखाई है ना, वो अगर उदारता बाकी दल, बाकी जो राष्ट्रीय दल है वो दिखा सकें तो निश्चित रूप से उन्हें इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को इसी दिखावे का अब तक के फायदा मिलता रहा है। अब ये कैसे और क्यों, इस पर हम बात करेंगे कि आपने अगर देखा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी, वो भी यादव समाज से, और राजस्थान में ब्राह्मण समाज, तीनों जो है उन्होंने जातियों को साध लिया। और साथ ही एक बात जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ये ऐसे नाम थे जिनका कोई नाम चर्चा था ही नहीं। छत्तीसगढ़ की बात अगर छोड़ भी दें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बात है वो राजस्थान की है कि राजस्थान में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया वो तो पहली बार विधायक बना है। आखिर उसे इतना बड़ा पद वो कैसे दे सकते हैं, इतनी उदारता, इतना जो बड़ा दिल है, आखिर वो जो नेतृत्व है उसने कैसे दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि इस नेतृत्व को बाकी लोगों ने स्वीकार कैसे लिया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जैसे ही नव जो नेता है, अभी युवा जो नेता है आकाश आनंद, जिन्होंने पिछले 3 साल पहले, कुछ साल पहले ये समझिए, वो बाहर से पढ़कर आए विदेश से, और उसके बाद उन्होंने पार्टी में अपना जो है वो काम शुरू किया, यहाँ वहाँ वो घूमे, कई जगह पर वो गए, बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कुछ धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ, पदयात्राएँ, तमाम सारी चीज़ें की। उसके बाद उन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर दिया, और जैसे ही उत्तराधिकारी उन्हें घोषित किया तमाम लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया। और उन लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया जो समान तौर पर दूसरी पार्टियां हैं, यानी कि जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति और जो ओबीसी वर्ग है या फिर अल्पसंख्यक वर्ग है, इनकी राजनीति करने वाले दूसरे दलों में ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर एक नए लड़के को मायावती ने कैसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये चर्चा का विषय आखिर क्यों बन सकता है, जबकि बीजेपी में एक नए विधायक को, पहली बार बने विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चर्चा का विषय नहीं बनता, उनकी पार्टी में ये बगावत का जो है विषय नहीं बनता। वहीं पर मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि जिसका नाम चर्चा कहीं नहीं था, बड़े बड़े लोग नाम उस दौड़ में शामिल थे, वहाँ पर एक अलग व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चर्चा का विषय नहीं बनता, बगावत का कारण भी नहीं बनता। पार्टी में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती, लोग चुपचाप नेतृत्व के उस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। आखिर कैसे, क्यों? मसला ये है कि आखिर जो हाईकमान है उसने ये निर्णय क्यों लिया, क्योंकि ये हो सकता था कि किसी और को
वो उतना काबिल ही ना समझ रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा काबिल लोग अगर बहुत ज़्यादा संख्या में हों तो निश्चित रूप से टूट या झगड़े की स्थिति बन सकती थी। क्या ऐसी बात नहीं हो सकती? तो फिर अगर मायावती ने आकाश आनंद को ये बागडोर सौंपने की जो बात कही है, हालांकि उन्हें सांसद या विधायक नहीं बनाया गया, न ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया, न ही प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया, उन्हें मायावती ने सिर्फ अपना उत्तराधिकारी बनाया, पार्टी का भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया उन्होंने। उसके बावजूद ये बातें आखिर क्यों होने लगी? किसको डर लग रहा है? कारण क्या है? ये सारी बातें होने के पीछे की वजहें क्या है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस अप्रिय स्थिति को टालने के लिए ये निर्णय लिया हो कि तमाम जो योग्य लोग थे, जिन जो लाइन में लगे हुए थे, जो बहुत सारे नाम उसमें थे, हो सकता है उनमें से किसी एक को बना दिया जाता तो, या फिर किसी एक को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया जाता तो बाकियों में हलचल हो जाती, बाकी लोग नाराज हो जाते। इस वजह से उन्होंने शायद ये निर्णय लिया, जैसे कि बीजेपी ने राजस्थान में ये निर्णय लिया है। तो फिर जिस तरह से युवाओं को इन दिनों बागडोर सौंपी जा रही है, अभी हाल ही में कांग्रेस में जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब प्रमुख व्यक्ति एक सबसे छोटा लड़का होगा, जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो अब जीतू पटवारी के निर्देशन में काम करेंगे, उनके मातहत वो काम करेंगे और उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये युवाओं को बागडोर सौंपने का ये जो प्रयास हो रहा है, ये जो प्रयोग हो रहा है, इसको आप ऊपर से देखें। निश्चित रूप से राहुल गांधी के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस में जान आई, और जान आने के बाद उन्होंने खड़गे को वहाँ की कमान सौंपी, यानी कि उसे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उसके पहले एक लंबा जो प्रयोग था, एक लंबा जो काम था, जो पार्टी को पुनर्जागरण करने का जो काम था, वो राहुल गांधी को सौंपा गया। तो इसको क्या इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता कि आकाश आनंद को अब पार्टी को पुनर्जीवित करने, उस पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करने के लिए सौंपा गया है ये काम? राज्यसभा की जब बात आती है तो भीमराव अंबेडकर को माननीय बहन जी अपनी सीट पर चुनाव लड़ाती हैं। अगर परिवारवादी होती तो माननीय बहन जी अपने परिवार से किसी को, वो तो संघर्ष में जूझने के लिए अपने परिवार को लगा रही। उनका लाख बार माननीय बहन जी का उनके चरणों में लाख बार नमन करके धन्यवाद देते हैं कि अगर जब राज्यसभा एमएलसी की बात आती तो भीमराव अंबेडकर को बनाती हैं, और जब सड़क पर जूझने के लिए होती तो आकाश माननीय आकाश आनंद जी को लगाती हैं। तो ये आरोप सोचो कि जो फूल जैसा हमारा भाई, उसको उन्होंने सड़क पर जूझने के लिए, अगर वो राज्यसभा बना देती तब तो कहते लोग कि परिवारवादी हैं। तो एक एक जो गरीब कमजोर कार्यकर्ता उसको राज्यसभा एमएलसी बनाती है, इसलिए परिवारवाद नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी ने कई लोगों को अजमाया। जब गद्दारी करके धोखा दे के आप चले जाते हो, जब आप विधायक बनना होता, मिनिस्टर बनना होता, बड़े बड़े औहदे पर किसको नहीं भेजा? दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज को, सवर्ण समाज के एक एक बेटा बेटी को माननीय बहन जी ने बड़े बड़े औहदे पर भेजा। जब वो गद्दारी कर जाते हैं तो वो क्या करें? इसलिए क्या कोई राजगद्दी है जो उन्हें सौंप दी गई, जिसके वजह से तमाम सारे लोग परेशान हो रहे हैं? कौन परेशान हो रहे हैं? मैंने फेसबुक पर लोगों से पूछा कि आखिर कौन से वो नाम हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें आकाश आनंद की जगह पे होना चाहिए। कोई नाम नहीं आए, बल्कि यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि दूसरी पार्टी के, दूसरे संगठन के व्यक्ति हैं, उन्हें सौंपा जाना चाहिए। कोई कहता वामन मेश्राम। अब आप वामन मेश्राम और चंद्रशेखर, इन लोगों की अगर हिस्ट्री आप देखें, पिछले कामों को अगर आप देखें, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, कौन इनकी सहायता करता है, कहाँ से फंडिंग होती है, और तमाम सारे लोग, और फिर अभी हाल ही में चंद्रशेखर जी के जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो ये जो तमाम सारी जो चीज़ें हुई हैं, आप सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हैं, चरित्र को लेकर किस तरह से बातें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि युवाओं के रूप में एक नई ऊर्जा पार्टी को दी जाए? पार्टी में अगर युवा को सक्रियता दिखाने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, जो तमाम जो स्थितियां हैं उसे
पुनर्जागृत करने के लिए अगर एक नई ऊर्जा के तौर पर उन्हें यह कमान सौंपी गई है तो आखिर परेशानी किस बात की और किसे हो रही है, इस पर समय हमें गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम तमाम पार्टियों को अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे जो स्वीकार्यता है वो ज़्यादा है, बनिस्पत जो बसपा के जो अलग पार्टियां हैं, बसपा से जो दूसरी पार्टियां या समानांतर पार्टियां जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के लोगों या फिर बसपा से अलग हुए लोगों, अब आप देखेंगे कि बसपा से जितने लोग अलग हुए हैं उनकी अपनी कहाँ ज़मीनें हैं, वो कहाँ पर आखिर इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। आप फूल सिंह बरैया को ले ले या तमाम बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो वहाँ से छिटक कर बाहर जाते हैं और हाल ही में जिन्हें निकाला गया है, तो उनकी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से जो करीबी जो उनके रिश्ते हैं वो निश्चित रूप से उन्हें पहले नज़र आ जाते हैं। और फूल सिंह बरैया को भी जब पार्टी से निकाला गया था तब भी ये बात कही गई थी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कालांतर में बहन जी का ये निर्णय सही साबित हुआ। तो हम अगर देखते हैं कि तमाम जो निर्णय होते हैं, जो चार बार जो मुख्यमंत्री रह चुका हो उसे सलाह वो लोग न दें जो लोग एक बार पार्षद भी न रहे हों, तो निश्चित रूप से हमें ये बात समझनी चाहिए कि आखिर कोई अनुभव है जो इसके पीछे काम करता है। बहुत सारे लोग सलाह दे रहे हैं जिन्होंने एक बार भी पार्षद का चुनाव भी नहीं जीता है अपनी जगह पे। आप अगर देखें तो महाराष्ट्र में RPI है, इतने लंबे समय से काम कर रही है लेकिन आज भी वो खुद का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, जबकि इतने लंबे समय से दूसरों के लिए काम कर रहे। एक बहुत मांग चल रही थी इस बीच में, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत लोग ये कोशिश करते रहे और ये कहते रहे कि कांग्रेस में का जो गठबंधन जो बन रहा था इंडिया गठबंधन, तो इंडी जो गठबंधन जो था इंडी गठबंधन, इस गठबंधन में बसपा को शामिल हो जाना चाहिए। ये बात बहुत मांग जो है ये उठती रही, लोग कहते रहे, लेकिन इंडी गठबंधन में जाकर अखिलेश को क्या मिला? किरकिरी हुई ना, वो जो बेइज्जती हुई, वो जिस तरह से जो बातें हुई और फिर वहाँ पर भी जो है आपके वोट का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा, इस विधानसभा चुनाव में जो आपका वोटिंग का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है। एक तरह से देखा जाए तो इस चुनाव में बसपा का ग्राफ ऊपर गया है और तीन जगह पे वो तीसरे नंबर पर की पार्टी भी वो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप उस गठबंधन में जाकर आप क्या किरकिरी करवाना चाह रहे थे? बसपा की भी पहले की भी जो अनुभव हैं बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिया गया इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में गठबंधन बना, तो निश्चित रूप से उस वो साथ लिया जा सकता था और लिया गया और आगे भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो गठबंधन एक समकक्ष गठबंधन नज़र आता है। लेकिन बाकी दलों में ये बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की स्वीकार्यता नहीं है, इस तरह की बात जो है वो पहले से जो डिस्क्रिमिनेशन जो लोग करते रहे हों, जो भेदभाव करते रहे हों, उन लोगों में इतनी जल्दी इस प्रकार की पार्टी की स्वीकार्यता नहीं हो सकती और वोट ट्रांसफ़र भी नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत हैं या सही नहीं हैं, ये ठहराना इस वक्त हम इस पर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि कालांतर में ये निर्णय सही साबित हो जाते हैं। आपको भी ये देखना चाहिए।